हेलो गाइस एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल आदिव क्लासेस। तो दोस्तों, हमने इस चैनल पर बहुत सी वीडियोस आप सबके लिए अपलोड की हैं, इंग्लिश की, हिंदी की और मैथ्स की और काफ़ी सब्जेक्ट्स की। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर लेकर के आए हैं अपने क्लास ऑफ फोर्थ के बच्चों के लिए। तो एडजेक्टिव में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स एडजेक्टिव की सॉल्व हो सकती हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। Words which says something about nouns or pronoun are called adjective. सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? तो वर्ड्स, वे शब्द जो कि समथिंग यानी कि कुछ भी कहते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई बताएं, बुराई बताएं, उनका कुछ भी बताएं, जो भी उनके बारे में उनसे रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, वे सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एडजेक्टिव कहलाती हैं। आप जानते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण और सर्वनामों के गुण और दोषों के बारे में बताता है। तो वही चीज़ हमारा एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, जैसे एन ओल्ड मैन। हम यहाँ पर मैन की बात तो हो रही है, लेकिन मैन कैसा है? ओल्ड। ओल्ड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। आप फैट चाइल्ड, चाइल्ड तो है बट चाइल्ड कैसा है? फैट। तो फैट यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। टिनी इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा, कीड़ा तो है बट कीड़े की क्वालिटी क्या है? कीड़ा टिनी है। हार्ड स्टोन, स्टोन हार्ड है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या है, यानी कि विशेषण क्या है। जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनके बारे में बताएं, उनकी बुराई बताएं, उनकी अच्छाई बताएं, वे सब क्या कहलाते हैं? वे सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। एन ओल्ड मैन, अ फैट चाइल्ड, टिनी इंसेक्ट एंड हार्ड स्टोन। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों, हमने ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन देख ली, उसके एग्जांपल देख लिए, अब उसके बाद क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। यहाँ पर सुटेबल एडजेक्टिव को आपको फिलअप करना है। यहाँ पर इस तरह से कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उन वर्ड्स को आपको जहाँ पर सुटेबल लग रहा है वहाँ पर इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में फिलअप करना है। जैसे द नाइफ इज शार्प, नाइफ क्या है? शार्प है। बॉय इज ऑलवेज लेट, कौन सी बॉयज? हुज बॉयज इज ऑलवेज लेट? लेजी बॉयज, मींस आलसी बॉय जो होते हैं वे हमेशा लेट होते हैं। तो ये यहाँ क्या भरेंगे? लेजी बॉय। देन प्लीज ब्रिंग ब्लैंक्स वेजिटेबल्स, इसमें क्या होगा? फ्रेश, हमें हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स लाना चाहिए कि प्लीज ब्रिंग, प्लीज फ्रेश वेजिटेबल्स लाना। तो फ्रेश, ताजी सब्जियां लानी। तो आई कांट लिफ्ट दिस, मैं ये चीज नहीं उठा सकती। क्यों मैं ये चीज नहीं उठा सकती? कौन सी चीज? बॉक्स। बॉक्स कैसा है? हैवी। तो मैं हैवी बॉक्स नहीं उठा सकता या नहीं उठा सकती। तो क्या भरेंगे यहाँ? हैवी। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आपको आ जाते हैं एडजेक्टिव्स के साथ। कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और बीच में जो भी एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दी जाती है और आपको वो भरना होता है। तो जरूरी नहीं है डेफिनेशन ही आए बच्चों, इस तरह से भी एडजेक्टिव्स आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपने रेडी नहीं किया है तो इस तरह वर्कशीट्स लगाइए, क्वेश्चंस पेपर्स लगाइए, जिससे कि आपको एडजेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए एडजेक्टिव क्या होते हैं और किस तरह से हमें एग्जामिनेशन में भरना है। तो उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द कलर्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं जो कि कम्प्लीट नहीं है, इन्हें आपको कम्प्लीट करना है। तो कम्प्लीट किस तरह होंगे? यहाँ पर हमको कलर्स फिलअप करने हैं। जैसे द क्रिकेट बॉल इज, क्रिकेट बॉल किस कलर की है? आपकी रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, कोई भी कलर, जिस कलर का आप भरना चाहो ये आपकी मर्जी पे है। इट्स योर विश कि आप कौन सा कलर यहाँ पर फिलअप करते हो। तो जो भी क्रिकेट बॉल आपके पसंदीदा हो, आपकी फेवरेट हो, वो कलर आप यहाँ भर सकते हो। देन माई सॉक्स आर, सॉक्स ब्लैक्स भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, तो रेड ब्लू किसी भी कलर की लिख सकते हो आप, ब्लू भी लिख सकते हो। तो ब्लू, माई सॉक्स आर ब्लू। जैम इज रेड, जैम किस कलर का होता है? इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको पता होगा कि आप अगर जैम खाते हैं, आप एक बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि जैम आपको किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो ये जो चीज़ कॉमन सेंस की है कि हाँ रेड कलर का ही होता है जैम, तो आपको यहाँ रेड ही भरना होगा।
माई टीथ आर टीथ, यहाँ पर कोई कॉमन सेंस नहीं होगा, आप सबको पता है कि टीथ आपके किस कलर के हैं, व्हाइट, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, व्हाइट। नेक्स्ट द शर्ट इज, शर्ट किस कलर की है, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, मोस्टली आपके स्कूल की जो शर्ट होती है वो किस कलर की होती है, व्हाइट, तो व्हाइट भी भर सकते हो, ब्लैक भी भर सकते हो, ब्लू भी भर सकते हो। तो ये यहाँ पर बच्चों को कलर्स के थ्रू सेंटेंसेस को फिलअप करना होता है, और ये सेंटेंसेस क्या हैं, जो भी आपने ये फिलअप किया है जैसे येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स है। क्यों? क्योंकि ये देखिए दे क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल तो है बट क्वालिटी क्या है, वो येलो है। सॉक्स तो है, माई सॉक्स, आई हैव सॉक्स बट दिस सॉक्स इज ब्लू। देन जैम, जैम तो है बट जैम का क्वालिटी क्या है, जैम रेड है। माई टीथ, टीथ सर, टीथ की क्वालिटी व्हाइट। माई शर्ट इज, शर्ट की यहाँ पर क्वालिटी क्या है कि वो व्हाइट है। तो इस तरह से यहाँ पर एडजेक्टिव्स के थ्रू, यानी कि कलर्स के थ्रू, यहाँ पर एडजेक्टिव भरने को भी आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो बच्चों एडजेक्टिव से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है आपका सर्किल एडजेक्टिव। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव है, उस पर आपको सर्किल करना होता है। जैसे रीना इज अ वाइज गर्ल, रीना एक गर्ल है बट उसकी क्वालिटी क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा, वाइज, वो वाइज गर्ल है। तो शी, रीना इज अ वाइज गर्ल, यानी रीना एक बुद्धिमान लड़की है। शी इज अ पोलाइट गर्ल, यहाँ पर एक गर्ल है जो कि क्या है, पोलाइट है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, पोलाइटनेस, तो यहाँ पर पोलाइट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो जो भी एडजेक्टिव होंगे वहाँ पर आपको उनको सर्किल करते हुए चलना है। दिस क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है कि क्वेश्चन जो है वो इजी है। द लॉयन इज अ फास्ट रनर, लॉयन रनर है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, फास्ट।